के अंदर इस वीडियो में आपको चैप्टर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं आपके। अब इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना है कि कॉपी में नोट करना है, कॉपी में लिखो। लिखने से क्या होगा कि शब्दों से आपका परिचय होगा। इसके बाद में मैं आपको क्लास में 1x1 सारे चैप्टर्स को डिटेल से बताऊंगा। अभी आपको ये क्वेश्चंस याद भी करने हैं और इन चीज़ों को आपको पढ़नी भी है। सारे स्टूडेंटों को बोल रहा हूँ, 10th क्लास के सभी स्टूडेंटों को बोल रहा हूँ कि सबकी कॉपी के अंदर ये क्वेश्चन आंसर हो जाने चाहिए। इनके अंदर की गई लापरवाही क्लास में बहुत भारी पड़ेगी। एक एक ही कॉपी चेक करूँगा मैं क्लास के अंदर, और होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन आंसर मुझे नहीं मिले तो तुम्हारे हालात ख़राब है फिर। दसवीं क्लास तुम्हारे चैप्टर है 10, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कांच में, निर्वात में, पानी में या केरोसिन में। तो राइट आंसर है निर्वात में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम किस में होता है आपके, कांच में, क्योंकि ठोस पदार्थ में सबसे कम होता है और आपके निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। और इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से पूछ ले जाए कि ध्वनि तरंग का वेग यानी ध्वनि का वेग, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है किसमें, कांच में, और सबसे कम होता है किसमें, निर्वात में। निर्वात में कोई वेग ही नहीं होता ध्वनि का। फिर है आपके क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है शेविंग दर्पण में, वाहनों के हेडलाइट में, या दंत चिकित्सा में, या उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। दंत चिकित्सा, वाहनों के हेडलाइट और शेविंग दर्पण, तीनों के अंदर किसका उपयोग होता है आपके, अवतल दर्पण का। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F है तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो इसका सूत्र क्या बनेगा आपके, तो सूत्र बनेगा आपके F बराबर R/2। ठीक। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपके डायोप्टर। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस, अब लेंस की बात की जा रही है, उत्तल लेंस से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु की स्थिति कहाँ रखनी है आपको, वस्तु 2F1 पर। फिर है आपके कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो वो है आपके 1 डायोप्टर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके कारण ये मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ेगी ये, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण पृथककारी सतह पर लंबवत यानी 90 डिग्री पर आपतित होती है तो अपवर्तन की घटना नहीं होती है। पार्श्व परावर्तन की घटना होती है समतल दर्पण से। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो इसका राइट आंसर है आपके पी बिंदु से। एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनेगा, आभासी और सीधा। देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण है और यहाँ पे अवतल लेंस है, तो
तो दर्पणों की बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे आपके, परावर्तन। प्रकाश के अंदर दो गुण होते हैं, परावर्तन, और लेंसों की बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे आपके, अपवर्तन। तो एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता कैसे, आभासी और सीधा, और एक अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा आपके, आभासी और सीधा। लेकिन ये लेंस है और ये दर्पण है आपके, ये याद रखना। फिर है कि किसी वस्तु का सीधा अथवा आवर्धित यानी बड़ा हुआ, एक तो सीधा और आकार में थोड़ा बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दर्पण या लेंस है। तो दर्पण तो कौन सा काम आएगा आपके, अवतल, और लेंस कौन सा काम आएगा आपके, उत्तल। 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो राइट आंसर होगा आपके क्या, 40 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी प्रयुक्त नहीं की जा सकती। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है आपके उत्तल लेंस का, और हमारी आँख में भी कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये भी 30 होगा। कौन सी घटना के कारण जल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन की घटना के कारण। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 300,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अभिलंब, फिर है आपके क्वेश्चन कि अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम, आपतन कोण कहते हैं। लेंस के द्वारा केवल आवासीय प्रतिबिंब बनता है, कौन से लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक रहती है, किसी उत्तल लेंस की, लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, किस लेंस की होती है, अवतल लेंस की। प्रकाश का कण व तरंग दोनों के रूप में संचरण होता है, यानी प्रकाश एक कण भी है और एक तरंग भी है। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रकाश के परावर्तन में अवतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है, समान होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासीय प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। प्रकाश किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश किरण का लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव। फिर है आपके कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोलीय भाग माना जाता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दो पृष्ठों से बना कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, यह क्या कहलाता है आपके, लेंस कहलाता है। लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने पथ से विचलित हुए लेंस से बाहर सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाश केंद्र कहलाता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का 2.42। उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं।
जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। इसके बाद है आपके चैप्टर नंबर 12 जो इम्पोर्टेंट है आपके। इसमें कुछ मात्रक और इकाइयाँ दे रखी है, जैसे विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वॉट, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है यूनिट किलोवाट प्रति घंटा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। इनमें से एक ना एक मात्रक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद करने ये अच्छे से। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा, यानी विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होगी। विद्युत धारा का मात्रक होता है आपके क्या? एम्पियर। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो आपके सत्य संबंध है बी बराबर आई आर। थर्ड, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है आपके? ओम। वोल्ट मीटर वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है क्या आपके? ओम। आवेश का एसआई मात्रक होता है क्या आपके? कूलाम। सर्वाधिक चालकता वाली धातु है आपके चांदी। निम्न में से कौन सा पद या विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? आई स्क्वायर आर। एक दो और तीन, ओम के तीन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा कितना आपके? 6। अभी न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको क्लास में जब चैप्टर्स को अच्छे से समझाऊंगा जब बताऊंगा आपका। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है आपके? वोल्ट। 100 वॉट या 220 वॉल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है आपके? यूनिट, जिसे मैंने कहा किलो वॉट प्रति घंटा आपके KWH लिखा होता है हमारे मीटरों में। विद्युत धारा मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा, ये एम्पियर नापता है। विद्युत विभवांतर का मापन वोल्टमीटर के द्वारा। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? धारा नियंत्रक का। एमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। घरों में विद्युत उपकरणों का संयोजन किस क्रम में होता है? समांतर क्रम में। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है? 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। वन यूनिट, एक यूनिट के अंदर कितने जूल होते हैं? 3.6×10⁻⁶ जूल। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा यूनिट जिसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। एक कूलाम आवेश किसी परिपथ में 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो परिपथ से धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर प्रवाहित होगी। जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता उच्च होती है उसमें चालक गुण निम्न होते हैं, यानी जिनकी प्रतिरोधकता यानी कि जो धारा का चालन कम करेंगे उनके अंदर चालकता का गुण कम पाया जाएगा। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी विद्युत चालक में आवेशों और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आई बराबर आवेश क्यू बटा टी समय। अब है आपके चैप्टर नंबर 13। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति जनित्र
तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा आदि। विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का। डायनेमो जनित्र से कौन सी धारा प्राप्त होती है? प्रतिवर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों ही प्राप्त होती है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ऑस्टेड। विद्युत में तार होता है लाल रंग का। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी। अब है आपके छोटे क्वेश्चंस। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? दिक् परिवर्तक का कार्य करती है, अर्थात परिपथ में धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करती है। विद्युत परिपथों में साधित्रों के सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों को लिखिए। एक तो देखो, विद्युत जितने भी परिपथों में फ्यूज लगा होता है और एक भू संपर्कित तार लगा होता है। MRI क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर। प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा बदल लेती है, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? यह ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। विद्युत जनित्र क्या है? विद्युत जनित्र वह युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा यंत्रों के द्वारा ऊर्जा को बना के और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में कोई दो उपयोग, विद्युत मोटर के दो उपयोग विद्युत पंखों में और रेफ्रिजरेटरों में। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? प्रतिच्छेद बिंदु या दिक्सूचक रखने पर दिक्सूचक सुई केवल एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। परिनालिका क्या है? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तारों के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं? वह युक्ति जो कि परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे दिक् परिवर्तक। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को किस नियम से जान सकते हैं? हम फ्लेमिंग के बामहास्त नियम से। जबकि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? यहाँ पे तो हमने बल की दिशा ज्ञात की है, अब हम धारा की दिशा ज्ञात करें तो धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिणी हास्त नियम से ज्ञात कर सकते हैं। लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? विद्युत में या उदासीन तारों के सीधे संपर्क में आने से। दृष्ट धारा के कोई दो स्रोत बताएं, एक शुष्क सेल और एक आपके मोबाइलों में लगने वाली बैटरी। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा? तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है।